भगतपुर ब्लॉक ग्रामीण की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत पीपलसाना में उस वक्त हंगामा मच गया था जब पेयजल से तरसते ग्रामीणों व टीम मोहम्मद इदरीस पूर्व जेल विजिटर पानी की टंकी के नीचे आकर अपने अपने पदाधिकारियों के साथ मुरादाबाद प्रशासनिक अधिकारियों की हिफाजत के लिए इंसाफ की मांग उच्च अधिकारियों से कर प्रदर्शन करने लगे। पीपलसाना से पूर्व सपा सरकार ने लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अंतर्गत पीपलसाना पाइपलाइन पेयजल योजना शुभारंभ एक बड़ी पानी की टंकी बनाकर खड़ी कर दी है। जब बहुत दिनों तक पानी की टंकी शोपीस बने रही तब भी पूर्व जिला अधिकारी मुरादाबाद जुहैर बिन सगीर के सामने सैकड़ों ग्रामीणों ने नफीस पाशा एवं टीम मोहम्मद इदरीस पूर्व जेल विजिटर जिला कारागार के नेतृत्व में अनेक आंदोलन किए, जिसके बाद ही ग्रामीणों को बेहतरीन पेयजल नसीब न हो सका, जिसमें अब फिर लगातार पिछले 10 दिनों से पेयजल आपूर्ति बाधित है। लेकिन उच्च अधिकारियों से लगातार शिकायतें करने के बाद भी अभी तक पीपलसाना के ग्रामीणों को साफ व स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है। मोहम्मद इदरीस ने कहा है कि पेयजल की आपूर्ति हमारा अधिकार है, यदि शीघ्र पेयजल आपूर्ति शुरू नहीं की जाती है तो हम गांव में जनपद मुख्यालय तक लगातार आंदोलन करेंगे। इसके उपरांत शीघ्र जल निगम व उच्च अधिकारियों से सुचारू रूप से पानी देने के लिए आश्वासन दिया गया। इस अवसर पर सामाजिक दूरी बनाते हुए अपनी मांग रखी और विरोध प्रदर्शन जताया। पानी की टंकी के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो है पानी की टंकी जो है कम से कम एक हफ्ते से ज़्यादा जो है यहाँ हो चुका है। जो ग्राम पंचायत पीपलसाना ब्लॉक भगतपुर टांडा की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत है और ये टंकी जो है सुचारू रूप से यहाँ चालू थी। एक हफ्ते से ज़्यादा जो है यहाँ पानी नहीं आया है और उस पानी के ना आने से जो है पूरे गांव में हाहाकार मचा है, जिससे कि यहाँ की जनता में जो है भारी रोष है। कई बार जो है मौखिक और टेलीफोन दूरभाष पर कई बार उच्च अधिकारी और जल निगम से बात हुई है, जिन्होंने अभी तक हमें कोई आश्वासन नहीं दिया था और बार बार जो है ये कहते रहे कि भाई हम जो है सही से करा देंगे। एक आज पूरे जो है लगभग 10 दिन एक हफ्ता हो चुका है जो ये जल निगम जो है इसको सही नहीं कर रहा है, जिससे पानी जो है पीपलसाना की जनता को नहीं मिल पा रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि जल्द से जल्द जो है ये पानी जो है यहाँ टंकी सही करा कर सुचारू रूप से पानी चालू किया जाए। अगर पानी नहीं चालू किया गया तो मजबूर होकर हम सभी ग्रामवासियों को जो है एक धरना प्रदर्शन जो है करना पड़ेगा। अगर इन्होंने 3 दिन के अंदर यहाँ पानी चालू कर दिया तो हम ये मानेंगे कि हाँ हमारी मांग पूरी हो गई है, और अगर 3 दिन के अंदर पानी चालू यहाँ नहीं हुआ तो ये समझ लीजिए कि हम यहाँ एक बड़ा धरना प्रदर्शन बनाने की पूरी योजना बना रहे हैं और हम धरना प्रदर्शन जिला स्तर पर करेंगे।